इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप, खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से छुट्टियां मनाने गोवा पहुंची दो लड़कियों से गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने खुद को एंटी नारकोटिक्स विभाग का अफसर बताकर लड़कियों की कार रुकवाई थी। अपनी जिंदगी जी लेने की ख्वाहिश लिए गोवा पहुंची दिल्ली की लड़कियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहां आकर उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। दोनों लड़कियां रात के वक्त एक किराए की टैक्सी में बैठकर उत्तरी गोवा के अंजुना बीच जा रही थी, तभी अरपोरा गांव के पास बाइक सवार पांच लोगों ने टैक्सी को रोक दिया। खुद को एंटी नारकोटिक्स विभाग के अफसर बताकर इन लोगों ने पहले तो दोनों लड़कियों की तलाशी ली, फिर टैक्सी ड्राइवर को डरा धमका कर चुप कराया और लड़कियों को कार से उतारा और नजदीक के एक सुनसान रिजॉर्ट में ले गए। फिर पांचों बदमाशों ने उनके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंजुना थाने में ये इम्पोर्सोनेशन का केस भी रजिस्टर है, रेप का भी है, उनके खिलाफ डेक्वाइटी का भी है, ये सब सेक्शंस के अंडर केस रजिस्टर हुआ है। ये पांच ही जो आरोपी इसमें शामिल हैं, उनको आज सात दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है। वो दोनों लड़कियों का मेडिकल भी हो चुका है। गैंगरेप की वारदात के बाद पीड़ित लड़कियां बदहवास हालत में थी। उन्होंने डर के मारे पुलिस को खबर तक नहीं की, लेकिन टैक्सी के ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस को इत्तला कर दी। लड़कियों को भी रखा, वो ड्राइवर को भी रखा, और वो फ्लैट में पांच लोग थे। पांच लोगों ने ये दो लड़कियों से सेक्सुअल असॉल्ट किया और वो ड्राइवर को उधर बंदी बना के रखा। फिर दूसरे दिन सुबह उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ने के बाद कल उसने वो कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन करने के बाद फिर पुलिस ने ये दोनों लड़कियों को ढूंढ निकाला और वो पांचों आदमियों को गिरफ्तार कर दिया। इस वारदात के बाद गोवा में पर्यटकों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन गोवा सरकार भरोसा देने में लगी है कि गोवा बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें पुलिस को बहुत परफेक्ट चार्जशीट बनानी चाहिए, फुल प्रूफ चार्जशीट, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस में महिला टूरिस्ट के साथ इस तरह का जो है ऑर्गेनाइज वे में किडनैप करके रेप किया गया। इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट मेरे को लगता है कि गैंग रेप है, और माहिती मिलने के बाद में, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में गोवा गवर्नमेंट और पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की है। टूरिस्ट थोड़ा भी मन में शक न करे कि गोवा में ऐसा वाला कभी होता है कि ये। गैंगरेप के सभी आरोपियों की उम्र 21 से 27 साल के बीच है। ये सभी एक नाइट क्लब के पूर्व कर्मचारी बताए जा रहे हैं। इस नाइट क्लब में वेश्यावृत्ति के आरोप लगने के बाद तोड़फोड़ भी हुई थी। अनिल लाड, गोवा, इंडिया न्यूज।